उल्हासनगर शहर एक व्यापारी शहर के रूप में जाना जाता है। उल्हासनगर शहर साल के सभी 12 महीनों के दौरान ग्राहकों से भरा रहता है, इसलिए दुकानों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए दुकानदारों और कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक लेना अनिवार्य कर दिया गया है। उल्हासनगर महानगर पालिका ने केवल उन्हीं ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति देने का नियम लागू किया है जिन्होंने वैक्सीन की 2 खुराक ली है और मास्क पहना है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार पर सीधे 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना मास्क के शहर में घूमने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। बिना मास्क के रुमाल या स्कार्फ पहनने वालों को भी जुर्माना भरना होगा। उल्हासनगर महानगर पालिका के सहायक आयुक्त गणेश सिंपी उल्हासनगर के भीड़ भाड़ वाले गोल मैदान और गजानन मार्केट इलाके में नकेल कस रहे हैं, इसलिए नागरिकों और दुकानदारों से आग्रह है कि वे कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। उल्हासनगर महानगर पालिका ओमिक्रॉन वेरिएंट की पृष्ठभूमि में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका से सतर्क हो गई है। इसी क्रम में महानगर पालिका ने शहर में कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था स्थापित की है। 27 नोव्हेंबरला शासनाने एक आदेश काढलेला आहे, त्या आदेशानुसार जे लोक मास्क वापरणार नाहीत त्यांना 500 रुपयाचा दंड आहे। तसेच जे दुकानदार आहेत त्यांनी स्वतःचे संपूर्ण लसीकरण केलेलं पाहिजे, त्यांच्या दुकानात काम करणाऱ्या लोकांचे संपूर्ण लसीकरण केलेलं पाहिजे, ते केलं नसेल तर त्यांना देखील दंडाची आकारणी करण्याची तरतूद आहे। आणि जो नवीन व्हायरस आलेला ओमिक्रॉन त्याचा प्रसार होऊ नये यासाठी या सर्व तरतुदी आहेत आणि सर्व कारवाई केली जात आहे। त्या अनुषंगाने आमचे माननीय आयुक्त डॉक्टर अजय दयानिधी यांनी शहरात कारवाई करण्याचे आदेश सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत। त्या अनुषंगाने आमची आणि पोलिसांचीही संयुक्त कारवाई आज शहरात चालू आहे। दुसरा डोस घेतलेला नसेल तरी सुद्धा एक दंड आकारला जातो, काय नेमकं? हो, कारण तो त्याचा शासन निर्णय त्याच्यामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की संपूर्ण लसीकरण झालेलं पाहिजे आणि संपूर्ण लसीकरणाचा अर्थ दोन्ही डोस झालेले आवश्यक आहे। ते झालेले नसेल तर दुकानदार आहे त्याला पण दंडाची आकारणी करण्यात येणार आहे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।